ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোভিড মোকাবিলায় 100 কোটি জনগণের মধ্যে কোভিড টিকাকরণ দেওয়াতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকেই শুক্রবার এক র্যালি শুরু হয় আগরতলা শহরে রাজপথ পরিক্রমণ করে। আজকে তো আমাদের কি উপলক্ষে আমাদের আমাদের যে মাননীয় জনপ্রিয় দেশপ্রিয় 140 কোটি জনতার যে আমাদের যে প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, ওনাকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি যেভাবে এই মহামারী করোনা থেকে আমাদের 140 কোটি মানুষকে রক্ষা করে রেখেছেন, 100 কোটি মানুষের যে উনি ভ্যাকসিনের যে ব্যবস্থা করেছে, সেই কারণে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে 100% যে আমরা করোনামুক্ত হয়ে ভ্যাকসিনের দ্বারা করোনামুক্ত হয়ে যে আমরা আজকে সুস্থ আছি, তার জন্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিশেষ করে আজকের এই যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাই। है प्रधानमंत्री जी को थैंक्स करने के लिए, इसलिए हमारे देश में ये पहले बार हुआ है जो कोविड तो पहले बार आपको भी पता है, लेकिन हमारे देश में वैक्सीन बना है और हमारे देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। देश में बहुत बार बहुत कुछ हुआ है, जो वैक्सीन पहले क्या होता था, अमेरिका बनता था, विदेशों में बनता था, 20-25 साल बाद इंडिया में आता था, ये पहले बार हुआ जो इंडिया के जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर वैक्सीन बना है और 100 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन दे दिया गया है। तो इतना बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जी भी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा काम किया है, जो देश में पहले बार जो हमारे यहाँ के जो 18 साल के ऊपर के लोगों को लगभग 100% लोगों को वैक्सीन किया गया है। तो इतना अच्छा काम किया गया, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ के जो वर्कर हैं, तो इनको भी धन्यवाद करते हैं हम लोग हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से, जो मोर्चा के तरफ से, जो इतना अच्छा काम करने के लिए।